स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय पर फोकस किया गया था, जो कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार का निर्देश था। वर्तमान में गोरखपुर जिला ODF घोषित है। ODF प्लस में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा 75 ग्राम पंचायतों में RRC सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें गांव का गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा को अलग किया जाएगा, जिसके बाद खाद बनाया जाएगा और जो कूड़ा यूज नहीं कर सकते हैं उस कूड़े को PWD और नगर निगम को रोड बनाने के लिए दे दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्योंकि आप जैसे सभी अवगत हैं, पहले फेज वन में हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, जैसा भारत सरकार और राज्य सरकार की मंशा थी। वर्तमान में क्योंकि हम लोग ODF प्लस जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम ODF घोषित हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ODF प्लस में अब मेन फोकस हमारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे है, जिसके अंतर्गत हमारे 75 ग्राम पंचायतों में RRC सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। RRC सेंटर जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है, उसमें बेसिकली जो भी गांव का कूड़ा है उसके आसपास का कूड़ा है उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग किया जाएगा, जो डिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है उससे हम लोग खाद बनाएंगे, और जो प्लास्टिक है या जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं उसको शेडिंग करके PWD नगर निगम या अन्य कार्यदायी संस्था जो रोड का निर्माण करती है उनको दे दिया जाएगा, ताकि रोड बनाते वक्त वो उसका यूज़ कर सकें।